नमस्कार, एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। जनमुद्दे की शुरुआत करते हैं। सरकार जहां जनहित से जुड़ी कई योजनाएं चला रही है, वहीं भ्रष्ट अधिकारी सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। इसका एक नजारा शहडोल में दिखाई दिया, जहां अनूपपुर और शहडोल के बीच सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार और अनियमितता उजागर होने के बाद भी अधिकारी दोषी ठेकेदार को बचाने में जुटे हैं। 156 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बनी सड़क की पुलिया में घटिया पाइप लगा दिए गए, जिससे जो पुलिया है वो क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं स्थिति ये है कि जर्जर पुलिया कभी भी धस सकती है, जिससे बड़ा हादसा होने की भी आशंका बनी हुई है। इस भ्रष्टाचार को लेकर जब आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो संबंधित अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच करने वाले अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दिया कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी पुलिया में घटिया पाइप क्यों लगाए गए। वहीं सड़क बनाने वाली कंपनी के पीएम प्रदीप सक्सेना और साथ ही साथ एडकान कंपनी के डीपीएस योगेंद्र सिंह के साथ, अब आपको बता दें कि एमपीआरडीसी शहडोल के भी जांच के नाम पर प्रोजेक्ट के मुख्य अधिकारी अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया, लेकिन एमपीआरडीसी के अधिकारियों की साठगांठ से अब तक जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि एमपीआरडीसी शहडोल बिना जांच पूरे हुए बिना ही सड़क को अपने हैंडओवर में कैसे ले रही है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हादसे की जो बात आपने बोली, हादसे तो यहाँ डेली हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ना कहीं सिग्नल बोर्ड लगा हुआ है, ना लाल पीली बत्ती कहीं पे लगी है, और अभी आप देखिए पुलिया उलिया बनाए हैं, इसके बगल में देखिए पूरा कीचड़ फैला हुआ है बरसात के कारण, तो डेली लोग गिर पड़ रहे हैं। प्लस इसमें जो ढोलक है नीचे डाला हुआ है, इसमें पूरे बच्चे और पब्लिक बता रही है कि इस पर घास रहे नीचे, अपने से बैठ रहा है, ट्रैक हो रहा है, मतलब डुप्लीकेट काम हुआ है पूरा। आवाज़ यहाँ सुनता कौन है भैया? यहाँ अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ओपीएम का देवेंद्र यादव आज 20-25 दिन पहले एक्सीडेंट में यहीं पे खत्म हुआ, इनोवा बस पलट गई, इनोवा यहाँ पे वो भी बोर्ड न लगने की वजह से पलटी है। आप इस चीज को जो लाए हैं वो संज्ञान में है मेरे, जिस तरह से वो घटिया निर्माण किया गया है, एमपीआरडीसी का मामला नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है इससे संबंधित लोग, उसमें जो उसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग हैं उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है, तब तो वो इतना घटिया काम कर रहा है। आज बनते हुए भी 10-11 पुलियों का जो स्थिति हम लोगों ने देखा, आपने भी वो संज्ञान में लाई बातें, जिस तरह से पुलिया निर्माण हुआ है और वो जो घटिया पाइप यूज़ की गई है, वो पाइप टूट रही है रोड चलने से, तो मैं तो यूँ कहूँगा कि एमपीआरडीसी के लोग बिना किसी संरक्षण के इस तरह के भ्रष्टाचार जो भी होते हैं, इस तरह की कोई भी परिस्थितियां होती हैं बिना किसी संरक्षण के नहीं होता, किसी न किसी बड़े नेता का हाथ होता है। और मैं तो यूं कहूं कि आज ये भ्रष्टाचार का जिस तरह से परिस्थितियां चल रही हैं, आप देखिए ये लॉकडाउन का बहाना लेकर आपदा में अवसर ढूंढ कर जिस तरह से काम हो रहा है, जिला प्रशासन हो या सरकार हो, जो आम जनों तक पहुंचनी चाहिए जनहितार्थ परिस्थितियां, वो नहीं पहुंच रही, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये तो निर्माण कार्य है। आपके द्वारा जो रोड के निर्माण में बताया गया, उस निर्माण में कई पुलियों कई क्षतिग्रस्त दिखाई गई, कई बड़े ओवरलोडिंग गाड़ियां चलती हैं, कहीं बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, और इसे शासन प्रशासन अपने संज्ञान में ले और किसी न किसी, सबका संरक्षण है, जिसकी सरकार है उन लोगों का संरक्षण है, इसीलिए इस तरह के काम हो रहे हैं, और कोई न कोई बड़ी घटना होने की संभावना इस रोड में बन सकती है। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की, जहां अनूपपुर और शहडोल जिले के बीच सड़क निर्माण तो किया गया, लेकिन 156 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी अब ये निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो पुलिया है वो अब ध्वस्त होती भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, इस खबर का ही पता आपको किस तरीके से लगा, साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या कुछ लापरवाही इसमें जो अधिकारी है उनकी सामने आ रही है, क्योंकि अगर मुद्दा यहाँ पर 156 करोड़ से ज्यादा की राशि का होता है तो कहीं ना कहीं जनता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है।
जी राजकुमारी जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये अनूपपुर जिला से लेकर के शहडोल जिला NH 43 तक इस रोड का निर्माण किया गया है। ये गावर कंपनी के द्वारा इस रोड का टेंडर हुआ था, जिसमें से कि इसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट में एडकॉम कंपनी को दे दिया गया था। और इसमें भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो ये भ्रष्टाचार इतना कम नहीं है जो कि दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो रोड कंपनी के द्वारा ये रोड निर्माण किया गया है, उसमें छोटी छोटी पुलिया कड़वर्ड बनाई गई हैं। उस पुलिया कड़वर्ड में जो पाइप डाली गई है, जिसे डोला बोला जाता है, डोला पूरी तरह से क्रेक हो चुकी है, साथ में टूट भी रही है, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जब निकलती है तो डोला सीधे सीधे बैठ रहा है। और आज नहीं तो कल एक बड़ी दुर्घटना के लिए इसे बनाया गया है, जो कि कभी भी एक आम जनता उस पे गिर के उसकी मृत्यु या कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। जी राजकुमारी जी, पंकज, इसके निर्माण के लिए टेंडर कब पास हुआ था और आखिरकार कितना समय बीत चुका है कि इतने समय बीतने के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाई? राजकुमारी जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये मामला इसका जो टेंडर हुआ था सन 2017 से लेकर के 20 तक का किया गया था, जिसे इन्हें 2020 में इन्हें कंप्लीट करके रोड को निर्माण करके पूरी तरह से दे देना था। यह इसका जो लागत है वो 156 करोड़ रुपए का है। मैं आपको बताना चाहूंगा 156 करोड़, जो कि शासन का पैसा है। शासन ये एक आम नागरिकों से ही वसूल करके ये बड़े बड़े ठेकेदारों को पैसा देती है और विकास कार्य कराती है। आपको बताना चाहूंगा, जब गावर कंपनी के द्वारा रोड का टेंडर लिया गया, रोड का टेंडर लेने के बाद में एडकॉन कंपनी को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया, जब पेटी कॉन्ट्रैक्ट में इस रोड को दिया गया तो यहाँ पर केवल न केवल MPRDC के सहायक प्रबंधक मुकेश बेले के साथ में मिल करके घटिया कार्य कराया गया। आपको बात करूं मैं कंक्रीट, रेत और सीमेंट की, तो इसमें ना ही सीमेंट का ज्यादा उपयोग किया गया, ना कंक्रीट का, ना किसी, जो कि आज एक आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। जी राजकुमार, बिल्कुल पंकज, जरूरत ये भी है कि यहाँ पर उच्च अधिकारियों से बात करने की कोशिश करें ताकि इसका समाधान निकले। किसी उच्च अधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने मामले में? मैं बताना चाहूंगा राजकुमारी जी कि इसकी शिकायत PM से लेकर के CM तक की गई, हर एक MPRDC के कार्यालय, हर एक कार्यालय में, जो यहाँ से लेकर के दिल्ली परिवहन मंत्रालय तक की गई, मगर जो जिले में बैठे शहडोल जिला बात करें या फिर अनूपपुर जिला की बात करें, यहाँ पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की नजर आज तक नहीं गई। इसकी लिखित शिकायत की गई है, आपको बताना चाहूंगा, लिखित शिकायत जो कि RTI भी लगाया गया था इस मामले में, RTI में इनसे जवाब भी मांगा गया, मगर इनके द्वारा उस RTI का किसी प्रकार से कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया, बल्कि भ्रमित जानकारियां दी गई। जी पंकज, भ्रमित जानकारियां दी गई। जी राजकुमार जी, बने रहिए पंकज हमारे साथ, फिर से बात करेंगे आपसे। और आपको बता दें कि ये मामला 156 करोड़ रुपए के नहीं है, बल्कि यहाँ पर मामला ये उठता है कि आखिरकार इतने समय बाद भी विकास का कार्य अधूरा क्यों पड़ा हुआ है। 2017 से लेकर 2020 तक इस काम को पूरा हो जाना था, लेकिन 2021 में भी इस काम को पूरा नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि घटिया पाइप भी लगाए गए हैं इसमें, जिसके चलते यहाँ अधिकारियों की साठगांठ, जो NPRDC के अधिकारी है उनकी साठगांठ सामने आ रही है। चूंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जनता को उस जानकारी को साझा करना जिसकी जनता को जरूरत होती है। लेकिन 3 से 4 महीने बाद भी RTI लगाने के बाद भी यहाँ पर जनता को वो RTI के माध्यम से सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं, जो एक आम आदमी का अधिकार होता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि PM से लेकर CM हेल्पलाइन पर इसका संपर्क भी किया जा चुका है, इस मुद्दे को उठाने के लिए, समस्या को निपटाने के लिए, लेकिन आखिरकार आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ रहवासी वसीम खान जुड़ गए हैं। वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में। जी धन्यवाद मैडम। वसीम जी, क्या लगता है, एक रहवासी हैं आप और रहवासी के तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 156 करोड़ से ज्यादा की राशि का यहाँ पर निर्माण होना था, सड़क का निर्माण, लेकिन यहाँ पर नजारा कुछ और नजर आ रहा है। पुलिया ध्वस्त होती हुई भी दिख रही है, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। एक रहवासी के तौर पर किस नजरिए से देखते हैं आप इस मामले को? मैडम देखिए, क्या है कि मैं रहवासी तो हूँ ही, प्लस कांग्रेस का प्रदेश का महामंत्री भी हूँ मैं, वसीम खान नाम मेरा। जी जी। और क्या है मैडम, देखिए जो रोड वो निकली है, सिंचाई मार्ग निकली है जी, वो स्टेट हाईवे जरूर है, मगर नेशनल हाईवे से तेज चलती है वहाँ पे रोड। बिल्कुल। और जो इन लोग ने जो भी निर्माण कार्य कराया वहाँ पे आप जाके देखिए, ना सिग्नल कहीं पे लगा, ना लाइट कहीं पे लगी, ना बगल में मुरूम कहीं बिछी, रोड फट रही है,
और आए दिन वहाँ एक्सीडेंट बने रहते हैं, और जो ढोलक के जो ढोल वहाँ पे डला हुआ है, पूरी पब्लिक के माध्यम से मुझे पता चला कि वो दब रही है रोड अपने से। क्या लगता है वसीम जी आपको कि किसकी लापरवाही हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पर ठेकेदारों से बात करने की कोशिश की जाती है तो तमाम जो उच्चाधिकारी हैं वो उनके संरक्षण में सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उच्चाधिकारी भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। जी मैडम देखिए क्या है कि जो रोड वाला जो मैटर है इसमें जो आपके अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं, मतलब ठेकेदार नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इनकी लापरवाही इसीलिए कौन किसके ऊपर माथे में ठीकरा फोड़े, इसको लेकर के वो क्या नाम है एक दूसरे पे या तो जवाब नहीं दे रहे हैं या तो क्या नाम है टाल मटोल कर रहे हैं। बिल्कुल वसीम जी, 2017 से लेकर 2020 तक इस रोड का निर्माण हो जाना था, चूंकि रोड का निर्माण देर से हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये कहावत यहाँ पर उल्टी साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर देर से काम तो हुआ लेकिन आखिरकार इतना घटिया काम हुआ कि यहाँ पर जो अब जनता है उनकी जान पर आ पड़ी है। क्या लगता है, क्योंकि जब RTI लगाई गई, सर RTI का मतलब होता है कि जनता को सारी इन्फॉर्मेशन मुहैया कराना, लेकिन 3 महीने बाद भी RTI के अधिकारियों ने भी इस पर कोई भी शिकंजा नहीं कसा, यहाँ तक कि उसका रिप्लाई भी नहीं दिया कि किस तरीके से इस मामले को उजागर किया जा सकता है। क्या कहेंगे RTI के इस रवैये को लेकर? RTI का मैडम रवैया इन लोग क्या जानकारी देंगे, क्योंकि उसमें तो पूरा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। आप चले जाइए टिकरी टोला में, वहीं पर तिराहे से आगे चचाई रोड में जाइए तो पूरे गड्ढे हो गए हैं रोड में, दरारें पड़ी हुई हैं। अब इन लोग से अगर आप पूछेंगे कि कौन ठेकेदार कितने का यहाँ पे काम किया, कहाँ पे क्या किया, तो इन लोग तो पूरा भ्रष्टाचार उसमें दे देंगे RTI से, अगर इन लोग तो इन लोग जेल ना चले जाएंगे मैडम। वसीम जी क्या लगता है कि क्या अब ऐसा जरिया है जिसके चलते शिकायत के आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की जाए, चूंकि जब उच्चाधिकारी से लेकर RTI से लेकर तमाम जो प्रशासन के लोग हैं वो सुनने को तैयार नहीं है, तो आखिरकार ग्रामीण से लेकर तमाम जो रहवासी हैं वो कहाँ पर जाएं? मैडम देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अभी के जो जिला कलेक्टर महोदय यहाँ के अपने शहडोल के हैं जी, और पुलिस अधीक्षक महोदय जैसे वो कार्रवाई सब जगह संक्रांत ऑपरेशन संक्रांत चला रहे, उसी के तहत माध्यम से इसमें भी आवेदन देना चाहिए। आवेदन दे करके इसमें माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय गोस्वामी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी है उसमें कार्रवाई की जाए, और जो इन लोग ने जो भी निर्माण कार्य में गलत सामग्री का उपयोग किया है उसमें मुकदमा कायम किया जाए। जी वसीम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चूंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जिला कलेक्टर को आवेदन देने की बात वसीम खान द्वारा की गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तमाम जो CM हेल्पलाइन से लेकर PM हेल्पलाइन नंबर है उन पर संपर्क तो कर चुके हैं, बात भी हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आश्वासन ही मिला है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये पुलिया कभी भी ध्वस्त हो सकती है और किसी बड़े हादसे का भी अंदेशा यहां पर बना हुआ है, क्योंकि ये एक हाईवे रोड है, अगर इस रोड के बीच में कोई भी गुजरता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। वहीं MPRDC के अधिकारियों की बात करें तो तमाम जो ठेकेदार हैं, जिनकी कंपनियों के ठेकेदार को जिन यहां जिम्मा दिया गया है इस रोड के निर्माण कराने का, लेकिन वो भी अब लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि अगर ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है तो कहीं ना कहीं यहां पर अधिकारी भी यहां कार्रवाई करने को लाजमी हो सकते हैं, बावजूद इसके अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की, जहां पर अनूपपुर और शहडोल के बीच सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार सामने आया है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि यहां पर 2017 से लेकर 20 के बीच में यह टेंडर पास हुआ था, जिसके चलते सड़क का निर्माण किया जाना था जिसमें पुलिया भी शामिल थी। 156 करोड़ रूपये खर्च करने के बाद भी और लेट काम होने के बाद भी यहां आखिरकार काम का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि सड़क निर्माण के चलते जिस तरह से धांधली सामने आई है उसमें 2 कंपनियों के नाम सामने आ हैं, बावजूद इसके जो उच्चाधिकारी हैं और MPRDC के कर्मचारी हैं वो भी साठगांठ करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर अगर नजर डालें तो यहां सड़क को अपने हैंडओवर में तो ले लिया, लेकिन हां काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करने के लिए साफ साफ इनकार कर रहे हैं। यहां पर जो पाइप का इस्तेमाल किया गया है वो घटिया पाइप है, कभी भी जर्जर होकर गिर सकता है। हमारे साथ सहायक प्रबंधक MPRDC शहडोल के मुकेश वेली जुड़ गए हैं। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में। जी मुकेश जी क्या लगता है, 156 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी रोड निर्माण के लिए शहडोल से लेकर अनूपपुर और शहडोल के बीच जो सड़क गई है, लेकिन इसमें लगातार धांधली सामने आ रही है कि अब तक इसका निर्माण नहीं हो पाया, जो पुलिया है वो ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे मामले में? नहीं ये पुलिया ध्वस्त नहीं हुई है जी,
है, निर्माण तो कल तो ये कम्प्लीट ही हो गया है लगभग, है ना, वहाँ पे पुलिया ध्वस्त वगैरह नहीं हुआ। मुकेश जी, ये आरोप लगाया गया है कि यहाँ 2017 से 2020 के बीच में इसका निर्माण होना था, लेकिन 2021 लग गया है, अब तक इसका निर्माण पूरा क्यों नहीं हो पाया जी? ये बोल रही हूँ सर कि ये जो निर्माण है वो 2017 से लेकर 20 के बीच में होना था, लेकिन 2021 लग गया है, फिर भी अब तक निर्माण पूरा क्यों नहीं हो पाया है? नहीं, निर्माण तो पूरा हो चुका है सर। 2020 में टेंडर पास होना था, 2020 में काम पूरा होना था, 2020 तक दी गई थी इसकी समय सीमा, लेकिन इसके बाद भी 2021 तक क्यों नहीं पूरा हो पाया, ये सवाल है सर। नहीं, अभी काम पूरा हो गया है सर। लगातार यहाँ पर जो हमारे संवाददाता हैं और तमाम रहवासी हैं, उनका ये आरोप है कि जो वहाँ पर पाइपों का यूज किया गया है, वहाँ पर चट्टाने आ चुकी हैं, जिसके चलते वो कभी भी ध्वस्त हो सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना भी वहाँ पर हो सकती है। तमाम जो फुटेज है वो हमने अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके चलते रहवासी जो है वो भी परेशान नजर आए। उनका भी ये आरोप है कि लगातार जो वहाँ पर कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, उनकी साठगांठ के चलते इसको अंजाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुकेश जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, मुकेश जी, सवाल का जवाब चाहूंगी। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोले। मुकेश जी, आरोप है लोगों का कि यहाँ पर जो पाइपों का यूज किया गया है उसमें चट्टाने आ चुकी हैं। वहां पर हमारे जब संवाददाता गए तो वहां पर लगातार ऐसा नजारा सामने आया जिसके चलते वो चट्टाने जो है वो कभी भी दरार पाकर गिर सकती हैं, जिसके चलते बड़ा हादसा भी हो सकता है। यहां तक कि RTI भी लगाई गई है, 3 से 4 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया है। क्या कुछ कहेंगे? RTI का जवाब भी मिल चुका है, उनको जवाब भी ले गए हैं, उन्होंने देख भी लिया है ना, RTI का तो RTI का निराकरण हो चुका है जी। RTI का निराकरण हो चुका है। RTI का क्या निराकरण हुआ है सर? मुकेश जी, RTI का क्या समाधान हुआ है? RTI में जो उन्होंने मांगा था उनको देख दिया गया है, कुछ भी नहीं मिला है सर उनको। हमारी सारी जानकारी हमारे पास साझा हुई है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। RTI का भी सर कोई रिप्लाई नहीं मिला है, क्योंकि तमाम हमारे संवाददाता ही नहीं बल्कि तमाम जो पार्टियां हैं उनका भी साफ साफ आरोप है कि अगर 156 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई है तो निर्माण देर से हुआ कोई बात नहीं, लेकिन निर्माण तो सही ढंग से होना चाहिए ना सर। Hello? शुक्रिया मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके पास हमारे सवाल का शायद जवाब नहीं है, और यही एक कारण है कि आप किसी भी सवाल के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं कि यहाँ दरारें आ चुकी हैं पुलिया पर, लेकिन इसके बाद भी यहाँ जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं वो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। शायद यही एक कारण है कि यहाँ MPRDC के अधिकारियों की साठगांठ के चलते कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अपने को हैंडओवर में तो ले लिया गया इस काम को लेकर, लेकिन इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरना भी तय है। क्योंकि अगर RTI के आधार पर भी जानकारी नहीं दी जाती है तो आखिरकार जनता को वो सूचनाएं मुहैया कौन कराएगा, जिसके चलते RTI का नियम जो है वो लागू किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें RTI से लेकर MPRDC के अधिकारी और साथ ही साथ वो ठेकेदार जिनको सड़क निर्माण का ठेका दिया गया था, ये सब मिलकर साठ गांठ को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हैंडओवर अपने हाथों में लेने के बाद भी यहाँ वो विकास नजर नहीं आ रहा है जो वाकई में यहाँ पर नजर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो पुलिया है उनमें दरारें आ चुकी हैं और कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके चलते यहाँ जो यात्री हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बावजूद इसके कोई भी अधिकारी यहाँ की सुध लेने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में। धन्यवाद बहादुर जी। क्या कहेंगे, 156 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का वादा, लेकिन अब साबित हो रहा है खोखला। वहाँ पे जो भी निर्माण कार्य है उसको पहले भी मैं बता चुका हूँ
कि वो अत्यंत वो जो ह्यूम पाइप वगैरह जो उसमें यूज हुए हैं वो अत्यंत घटिया स्तर के हैं, क्योंकि उस पर जो लोड पड़ रहा है चल रहा है तो वो ऑटोमेटिक टूट रहे हैं जी। रोड क्रैक्स हो गए हैं जी। बहादुर जी क्या लगता है किसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम जो आरडी एमपी आरडीसी के जो अधिकारी हैं वो भी बात करने को तैयार नहीं है, सही ढंग से जवाब भी देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, आरटीआई के अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है सर। नहीं तो वो अधिकारी कार्रवाई कैसे करेगा जिसके मॉनिटरिंग में काम हुआ है जी, जिसके देख रेख में ठेकेदार ने काम किया है, ठेकेदार ने घटिया काम किया है उसकी जांच परख तो वो अधिकारी ही करेगा ना जी। लेकिन उन अधिकारियों के ही सुपरविजन में जब काम हुआ है, जिम्मेदार तो दोनों हैं, एमपीआरडीसी भी और ठेकेदार भी, एजेंसी भी जी सर। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तो ठीक है लेकिन यहाँ तमाम जो हेल्पलाइन होती है जैसे सीएम हेल्पलाइन उस पर भी कार्रवाई की गई लेकिन उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, या फिर यूं कहें कि अब प्रशासन की जो कड़ाई से पालन कराने वाले विकास के वादे थे वो अब खोखले साबित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर इसमें संरक्षण जो है बिना सरकार के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। और उसके बिना संरक्षण के इतना बड़ा डेयरनेस कैसे हो सकता है, ये तो सोचने समझने का विषय है। बिल्कुल, यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं कोई संरक्षण है। क्या कर सकते हैं सर आगे, ऐसी कोई कार्रवाई जिसके चलते हाँ कहीं भी कंप्लेन करके इस कार्रवाई के जो अंजाम है उसको दिया जाए ताकि यहाँ पर जो रहवासी हैं वो भी राहत की सांस लें, बिकॉज यहाँ पर रहवासी जो है उनका साफ साफ कहना है कि यहाँ पर कभी भी जो चट्टान जिस तरीके से पाइपलाइन में आ चुकी है वो कभी भी गिर सकते हैं पाइपलाइन और उससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल सही है, आप हम इस प्रजातंत्र में प्रजा मालिक समझी जाती है, हम सब आवाज उठा रहे हैं और आप प्रजातंत्र के मुख्य स्तंभ है, आप चौथा स्तंभ, यदि आपने भी वो बातें रखी हैं तो संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं ये प्रजातंत्र से चुने हुए पदाधिकारी गण, चुने हुए आए सरकार, हालांकि सरकार जिस तरह से बनी है वह जनमत का गला घोटकर बनी सरकार इस तरह का निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है। यहाँ भी इस घटिया निर्माण में आम जनता को नुकसान पहुंचेगा, आम जन उस जन सुविधा का उपयोग नहीं कर पाएगा, ये कितनी बड़ी विडंबना है जी। बिल्कुल बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समस्या तो है लेकिन समाधान नहीं है, अधिकारी तो है लेकिन काम नहीं है, विकास का नाम तो है लेकिन विकास नहीं है, तो आखिरकार सवाल उठता है कि आखिरकार इतना पैसा जा रहा है तो जा कहां रहा है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है, ठेकेदार को पर्याप्त संरक्षण दिया जा रहा है, एमपीआरडीसी के अधिकारी भी साठगांठ करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने हाथ में हैंडओवर तो ले लिया लेकिन विकास नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस बीच जनता को भी पिसना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर मामला सड़क निर्माण का है, उस पुलिया से जुड़ा हुआ है जिसमें पाइपलाइन को भी लाया गया है, अगर वो पाइपलाइन के अनुसार अगर पाइप की फिटिंग सही ढंग से नहीं की जाती या फिर उसमें अच्छी गुणवत्ता का माल का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो फिर कहीं ना कहीं यहां कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कब तक ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जब यहां पर किसी भी अधिकारी का ब्यौरा होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार लापरवाही कहां से हुई है और इस पर किस पर कार्रवाई करने के लिए अब जनता को लाजमी होना पड़ेगा। हमारे साथ एसडीएम सुहागपुर के दिलीप पांडे जुड़ गए हैं, पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी मैडम, आप धन्यवाद जी। पांडे जी क्या लगता है आपको कि जिस तरह से देख रहे हैं कि सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृति तो जारी हो गई, 2017 से 20 तक के बीच में सड़क का निर्माण होना था, चूंकि लेट हुई कोई बात नहीं लेकिन इसमें लापरवाही सामने आ रही है क्योंकि जो पाइपलाइन है उसमें अब चट्टाने जो है दरारें पड़ चुकी हैं जिसके चलते कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये किस रोड की बात करें मैडम? सर मैं बात कर रही हूँ ये अनूपपुर और शहडोल के बीच में जो सड़क निर्माण हुआ है उसके बारे में। अनूपपुर शहडोल के बीच में? जी मैडम। 156 करोड़ रुपए की लागत से ये स्वीकृत हुआ था लेकिन सर 2017 से 20 के बीच में हुआ था लेकिन इसके बाद भी यहाँ अभी तक विकास नहीं हो पाया है, निर्माण नहीं हो पाया सड़क का, और सड़क के निर्माण के लिए जो अधिकारी हैं वो भी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है इस मामले को लेकर। नहीं, इसमें जो है जो आपकी रोड बता रही है जी,
रोड तो लगभग पूरी निर्मित हो गई है अनूपपुर तक जी। बीच में शहर का कुछ पोर्शन है और नगर पालिका का, वो MPRDC और नगर पालिका के बीच में है हैंडओवर करने के लिए, जिसकी प्रक्रिया जारी है और कलेक्टर साहब ने इसको काफी गंभीरता से लिए हुए हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारी को इसके बारे में निर्देश दिया कि बरसात तक इसको किसी भी हालत में निर्माण करा लिया जाए। लेकिन सर 2020 तक जब इस प्रक्रिया को पूरा हो जाना चाहिए था तो अब तक क्यों नहीं हो पाया? अब तक प्रक्रिया इस बारे में मैं बहुत गंभीरता से मैं नहीं जान पा रहा हूँ जी, लेकिन उस बैठक में कलेक्टर साहब ने इसको जरूर कहा कि इसको जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए, क्योंकि उतना ही पोर्शन खाली बचा हुआ थोड़ा बस अब जी। सर वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जो वहाँ पर पाइपलाइन है लगाई गई है उसमें अच्छे माल की गुणवत्ता, जो अच्छी गुणवत्ता होती है वो यूज नहीं की गई है, जिसके चलते उसमें चट्टाने आ गई हैं। रहवासियों का तो सर ये तक कहना है कि वहाँ पर कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसके चलते रहवासियों को उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस बारे में मैं उसकी जाँच करा लूंगा जी, किस तरह से क्या टेक्निकल दिक्कत है, क्योंकि हम लोग तो टेक्निकल व्यक्ति है नहीं जी, टेक्निकल जांच करा ली जाएगी जी। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, तमाम आश्वासन देने के लिए और मामले की जांच कराने के लिए, क्योंकि मामले की जांच बहुत जरूरी है। अगर किसी भी दुर्घटना का शिकार अगर यहाँ पर तमाम रहवासी होते हैं और वो लोग होते हैं, वो यात्री होते हैं जिनको इस बारे में कोई खबर नहीं है कि आखिरकार जिस सड़क से हम गुजर रहे हैं वो सड़क कहाँ तक जर्जर हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारी और जो ठेकेदार हैं वो भी इसके शिकंजे में आते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि अधिकारी कर्मचारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए MKN के साथ, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।